हाय दिया, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। था यार, आज के इस वीडियो में इंस्टॉल करने वाले अपने GTA San Andreas का, मैं अपने GTA Vice City में। तो वैसे तो हमने अपने GTA San Andreas में GTA Vice City को बहुत दफ़ा इंस्टॉल किया है अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन आज के इस वीडियो में अपने GTA San Andreas को अपने GTA Vice City में इंस्टॉल करने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को अपने GTA San Andreas का पूरा मैप भी देखने को मिल जाता है। तो यार बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है आज की, तो वीडियो को पूरा देखना हो। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो GTA Vice City में GTA San Andreas का मैप मोड इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए GTA SA मैप फॉर GTA Vice City। इस फाइल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से एक अपने से डाउनलोड कर लेना है और लिंक 100% वर्किंग है। इसे इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले इस फाइल को राइट क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर आप लोगों को GTA SA मैप फॉर GTA Vice City फोल्डर देखने को मिलेगा, तो हम इसे ओपन कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ फाइल्स देखने को मिल जाती हैं। तो आपने इन सब फाइल्स को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम इसे क्लोज कर देंगे एंड अब ओपन करेंगे अपने GTA Vice City की मेन डायरेक्टरी को। तो GTA Vice City के आइकन पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देंगे। नाउ यहाँ पे आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है एंड पेस्ट पर क्लिक कर देना है। नाउ यहाँ से हमारी जो भी फाइल्स थी वो कॉपी हो रही हैं, तो अगर आपके पास रिप्लेस दी फाइल्स इन द डेस्टिनेशन वाला ऑप्शन आता है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। नाउ यहाँ से हमारी जो GTA Vice City में GTA San Andreas का मैप मोड इंस्टॉल हो गया है। तो अब आप लोगों ने अपने Vice City को SAIVC लॉन्चर से प्ले करना है। तो सिंपल हम इसे प्ले करेंगे एंड प्ले करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपने स्टार्ट गेम पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट गेम पे क्लिक करेंगे यहाँ से हमारा जो गेम है वो लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा गेम लॉन्च हो गया एंड देन आपने स्टार्ट गेम पे क्लिक करना है। नाउ यहाँ से हमारा जो GTA Vice City है GTA San Andreas मैप मोड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से शिफ्ट प्रेस करने का हमारा कैरेक्टर स्पॉन हो गया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारे को GTA San Andreas का पूरा मैप देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये है हमारे GTA San Andreas का क्रूज स्ट्रीट। तो क्या हम हाउस में एंटर कर सकते हैं? तो नहीं गाइस, हाउस में तो एंटर नहीं कर सकते। और इसके अलावा हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ से हमें एक बाइक भी देखने को मिल जाती है जो कि GTA Vice City की है। तो यहाँ पे हमें GTA San Andreas का पूरा मैप देखने को मिलता है और आप उस पूरे मैप को ईजिली एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड साथ ही हमें GTA San Andreas का मिनी मैप रडार भी देखने को मिल जाता है। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा बेटर चीज़ है हमारे GTA Vice City के लिए एंड बाकी जो हमारा कैरेक्टर इसमें वो GTA Vice City का ही है। टॉमी जस्ट हमारे GTA San Andreas का मैप इसमें ऐड हो गया है। तो आप लोग अभी तो इस मैप पे मिशंस नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि अगले अपडेट के साथ इसमें मिशंस वगैरह भी ऐड हो जाए एंड बाकी ओवरऑल जो मैप है ये पूरे GTA San Andreas का मैप है। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।